प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा शराब के दाम घटाए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस सड़कों पर है। रेणुका विधानसभा क्षेत्र के खेगवा में आज युवा कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जयराम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैनर और शराब की खाली बोतलें लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। युवा कांग्रेस ने शराब के दाम को घटाने व शराब के ठेकों व रेस्टोरेंट का समय 2 बजे तक खुला रखने का निर्णय को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। युवा कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ तो सरकार नशा मुक्ति की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार खुद नशे को बढ़ावा दे रही है। युवा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अच्छा होता कि जयराम सरकार शिक्षा, बिजली और बढ़ते गैस सिलेंडरों के दामों में कटौती करती, न कि शराब के दामों में। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक विनय कुमार के जरिए सरकार को ज्ञापन भेजा, जिसमें तुरंत शराब के दामों को लेकर लिए गए निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने कहा कि निश्चित तौर पर सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है वह बेहद निंदनीय है, जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए। जयराम सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में शराब के दाम घटाने व रेस्टोरेंट को रात 2 बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया था। मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद से ही सरकार को खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। आज युवा कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया और उसके बाद एक ज्ञापन मेरे माध्यम से सरकार को एक सौंपा है और उसमें रोष व्यक्त किया है युवा कांग्रेस ने, और उसमें बताया है कि जो शराब के दाम बढ़े हैं और लेट रात तक जो शराब के ठेके खुले करने का जो निर्णय लिया है सरकार ने, उस सरकार को वापस लेना चाहिए। और युवा कांग्रेस का ये भी मानना था कि जिस तरह से शराब प्रदेश में अगर सस्ती की जा रही है, इसी तरह से अगर राशन सस्ता किया जाए या सीमेंट के दाम सस्ते किए जाएं या और मूलभूत सुविधाएं लोगों को शिक्षा सस्ती की जाए, और ये सब चीज़ों को लेकर युवा कांग्रेस ने मांग की है सरकार से कि बजाय शराब के दाम घटाने से सिलेंडर के दाम घटाए जाएं, राशन के दाम घटाएं, शिक्षा को सस्ता किया जाए, सीमेंट के दाम घटाए जाएं, तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है। और मैं अपने इनके माध्यम से जो इनके बीच में एक माध्यम बन के सरकार को ये ज्ञापन सौंपूंगा और मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि सरकार इस पर कोई निर्णय ले। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में शराब को सस्ता किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये हमारे प्रदेश का एक दुर्भाग्य, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। एक ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में राज कर रहा है जो जिनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, जो नशा मुक्त हिमाचल की बात करते हैं और आज नशे की जो चीज़ें हैं जैसे शराब है, दूसरी चीज़ें रात को 2 बजे तक जो होटल और रेस्टोरेंट बार खुले रहेंगे, आज नशा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो हमारे हम आप जैसे युवा साथी है, रोजगार की बात करते हैं या फीस वृद्धि के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। क्यों नहीं शराब को सस्ता करने की बजाय हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती की जाए, या शिक्षा में जो फीस वृद्धि की जाती है उसको कम किया जाए, और हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पाद होती है दूसरे राज्यों में सस्ती मिलती, हिमाचल प्रदेश में महंगी क्यों मिलती है, या हिमाचल प्रदेश में सिलेंडर के दाम कम किए जाए या सस्ता राशन दिया जाए। मैं समझता हूं कि ये जो निर्णय लिया है हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर का करें आकलन, उठाएं नागरिक की आवाज और बताएं क्या आपका धर्मशाला शहर जीवन यापन की दृष्टि से उत्तम है या नहीं, जिसके आधार पर पेश किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग एवं नागरिक अनुभव का रिपोर्ट कार्ड। तो आप भी ईज ऑफ लिविंग परसेप्शन सर्वे में भाग लेकर शहर के प्रति अपना विचार साझा करें। तो उठाए अपना फोन और बार कोड को स्कैन करके कहे अपने दिल की बात। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।